हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इश्क मुर्शीद एपिसोड 2 का रिएक्शन। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ये है कि लाइक थोड़े बीच में हमने बहुत सारी दूसरी चीज़ें डाली थी, तो अभी इश्क मुर्शीद का एपिसोड 2 आ रहा है। सो एपिसोड 1 जो हमने किया था, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी चीज़ें थी कि लाइक इनके फादर ऐसा क्यों करते हैं, या फिर उनके जो लड़के के फादर थे उनके बीच इतना ख़राब रिलेशन क्यों है और आपस में, और फिर देखा जाए तो ये क्या करेंगे आगे जाके। पर इतना पता लग गया था कि वो दुर्फिशान पे मतलब पागल हो चुके हैं, उनको और कुछ नहीं मिल रहा, समझ आ रहा था। एंड वो उतनी क्यूट दिखाई भी गई है, तो वैसा था। तो देखते हैं, अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एपिसोड 2 में क्या होगा। सीरियसली जो फर्स्ट एपिसोड था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और हम लोगों की उसकी क्यूरियोसिटी उसके बाद अगले एपिसोड को देखने की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और हमारे जैसे पार्थिव ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट एपिसोड में कि लाइक क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर वो लड़के की बात करे तो कहीं ना कहीं उसकी अलग ही पर्सनैलिटी दिखा रखी है। वो फॉरन से मतलब कि पाकिस्तान आ रखा है और उस लड़की को देख कर मतलब कि उस पर फिदा हो गया है, और मतलब कि अब वो देखेगा वो कैसे एफर्ट्स करेगा, ऑब्वियसली बात है उससे मिलने की कोशिश करेगा। जो भी होगा वो तो हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, इस वाले एपिसोड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम वेलकम। वाओ, आई न्यू, आई हैड अ गुड फीलिंग कि तुम आओगी। तभी माय फेवरेट आइसक्रीम मंगाई है। यार तुम तो जरूरत से ज्यादा हंसने लगती हो, ये इत्तेफाक कैसे हो गया? आइसक्रीम तो दो उसको। अरे हाँ, थैंक यू, आई ऑलवेज लुक प्रिटी बाय द वे। अच्छा वो तुम्हारा अजीब सा होने वाला शोहर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहाँ हो सकता है, तुमसे डर के कहीं छुप के बैठा होगा। मुझसे क्यों डर के छुप के उनसे बैठे क्यों हो, तो डर रहा मैंने ही है। बताओ सर। इस बात का कोई मुझे भी कुछ बताएगा? तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पता हुआ क्या था? इस शादी की बातें बात करें, थोड़ी देर बता दो तो, शादी हो रही तो क्या मालूम है। यार मंगी के बाद मैंने ना फराज को किसी लड़की का डेट मारते हुए देख लिया, तो मैंने उसको बताया। काश वैसा कर लेती दोस्त, लेकिन उसने उसने क्या हाँ उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं छुरी लेकर गई उनके पेट के पास लेकर गई और कहा तो जान से मार दूंगी, है ना? नहीं यार, फिर और क्या, बस अभी मैंने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी कि वो बोल बताओ और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था उससे, क्या हो गया? अच्छा हाँ, बस बेहोश हो गया था होता है। बंद क्यों कर दिया? ये खबरनामा नहीं जबरनामा, प्लांटेड होता है सब। जानता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया ही देख रहा था। बताओ क्या परेशानी? जैसे आपको नहीं पता ना कि क्या परेशानी है। हराम खाना शुरू कर दो, बेटियों का घर बसाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दो, आपको नाराज कर दूं लोगों को खुश करने के लिए, आपने बिगाड़ लूं अपनी, क्या करूं मैं? बस करते सुलेमान, बस करते, क्या हो गया? मुझे अगर जरा बराबर भी एहसास होता ना कि इस रिश्ते के पीछे मेरी बहन के दिल में जोहेब की नौकरी का लालच छुपा हुआ, मैं खुदा की कसम कभी भी शुक्राना का निकाह मान नहीं होने देता। बेटी ने सुन लिया और उसी को तो वो लड़का पसंद है। पर वो सही भी है यार, उसकी जो बहन है वो बहुत लुच्ची है, उसको सिर्फ उसके पैसों पे नजर है, और ये है कि बेटे को जॉब दिलवा दो। वाह कितनी प्रिटी लग रही है। एंड पता है मेरे को तो ब्राइड से ज्यादा ब्राइड में ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे भी वही ज्यादा लग रही है अच्छी, मैं उसके बोल रही हूं कितनी प्रिटी लग रही है। तो दुर्फिशान इतना सिंपल और इतनी प्यारी लग रही है ना। क्या हो गया, बैलेंस खत्म हो गया? तैमूर साहब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। पैसे वैसे की लालच नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास। लेकिन लेकिन आपने वादा किया कि मेरे बेटे को मर्सिडीज एस क्लास देंगे। अरे ये लोकल गाड़ी तो करा के बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं आफ्ताब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भला क्यों आपकी बेइज्जती करेंगे? आप और आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे ये काबिल फखर है। पहले इस रिश्ते को काबिल इज्जत तो बना लीजिए। मैं इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरी बेटी की पसंद है और बस। वाह, तो जल्दी से गाड़ी का अरेंज करें, बिना वजह लोगों के सामने तमाशा लगेगा बदला। तो फिर हो जाए तमाशा। ओह मेरे को पता था ये नहीं चुप बैठेगी। हाँ। आप भी यहाँ आए और हम भी। तुम्हारे वालदे आए हुए यहाँ, पूछना था उनसे कि बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। जानती नहीं किससे बात कर रही है तुम? आपको कौन नहीं जानता, आप एक ऐसे सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अगर उनकी दहेज जैसी डिमांड सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई तो उनके सितारे भी गर्दिश में हो जाएंगे। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं तो आपको रियलिटी चेक दे रही हूं। आप जानते हैं जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है इसने अपनी जिंदगी भर की कमाई शादी पे लगा दी है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। तो ये जो सारी चीजें आप डिमांड्स कर रहे हैं ना, आप सबके जो मुतालबे हैं, ये बाप की मोहब्बत के सामने कुछ नहीं। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों करूं? आपका वो नालायक बेटा कहां है?
वो नलायक बेटा जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के लिए इतना हंगामा क्रिएट किया था, आपसे बगावत कर ली थी, नहीं थी गोलियां खा ली थी, पर वो नलायक फराज, फराज हर बात में फराज ही पिलता है। कौन है ये बदतमीज लड़की? अंकल भी कुछ नहीं कर पाए। फराज भाई जरा 2 मिनट यहाँ आए। शिवराज जी बोले, बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? शिप्रा क्या हो गया? क्यों नहीं? कितनी भी होगी आप? है? ये कितनी है, कितना कमाते हैं आप? शिप्रा क्या हो गया? मगर ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? एग्जैक्टली आप ये सब मुझे क्यों बताएं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पर गुजारी हो उसको तनख्वाह की अहमियत का थोड़ी अंदाजा होगा। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपके नाम से आपके बाप का नाम हटा दिया जाए तो आपकी क्या वर्थ है? मैं किसी को इंसल्ट करने नहीं आई, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसके फादर ने ऑलरेडी तुम लोगों को 25 लाख की गाड़ी दे दी है, उसके अलावा जहेज में पता नहीं सोना कपड़े जूते ये सब कुछ दिया है, और सबसे बढ़ के अपनी इतनी प्यारी बेटी, अपनी बेटी थी है, अपना जिगर का टुकड़ा थी है। उस सब के बावजूद भी तुम्हारे फादर की नाजायज डिमांड बनती है क्या? नहीं, बताओ मुझे, सच सच बताओ, ये डिमांड सही है कि गलत है? यार कितनी सही है ना, और यूं बदलाव लेके आ जाती है। पूछ रहा हूँ डैड, लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, कुछ तपाशा बन रहा है यहाँ पे, जिसे पलिया चाहिए बस। ये लड़का तो जेन्युइन है पर है ना? इसका बाप मानेगा नहीं, ये बस खुश हो जा रहा है कि बस मेरी बीवी फाइनल हो गई है, मेरे को ये बहुत प्यारी लगी, फाइनली हो जाएगी इनकी शादी। पर इसके घर में भी तो कलेश है, वो भी नहीं छोड़ेगी। हाँ। चलो भैया चला भी लो, चलो कमरे में जाके सोते, मुझे नहीं जाना तुम। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा ना, भरम ना दिखाओ, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सुखी की कोई बात? तुम्हें इससे क्या? सुखी तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? क्यों समझ नहीं आती कि तुम्हारे इस एटीट्यूड से घर में सिर्फ परेशानियां होंगी, कुछ नहीं? ये बात क्यों नहीं समझती कि जुहेब को जो कुछ भी करना होगा अपने उन पे करना होगा, उसे समझाओ। सही बात है। किसकी तरह? आपकी तरह। तुम्हें ये क्यों लगता है कि एक फैमिली में जितने लोग हैं वो सब एक जैसे होते? कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, कमजोर, जिनको अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ये बात क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, परेशान होती हूँ। अकेली नहीं हूँ तुम, परवाह करती हूँ तुम्हारी, करती होंगी, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि मैं तुम्हारी तरह बाबा से लेके हर किसी की आंख का तारा नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूँ ही। तुम तारा नहीं, चांद शुक्ल। उसकी भी बेचारी गलती नहीं है, वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस ही खो चुकी है, और उसका सारा कॉन्फिडेंस अब शादी में है कि उससे शादी करूंगी। ये इनके घर को ऐसा हॉन्टेड हाउस क्यों दिखाया गया, एकदम डरावना, भूत प्रेत रहते हो ना? ये क्या कर रहा है? आपका फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है, किसी लड़की का होगा? नहीं, शामिल का। रिसीव करो। किसका है? कोई लड़की, नाम था शायद। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, मिल सकता है अभी? अभी मेरा निकाह भलिया से हुआ है, तुझसे नहीं। सही बात है यार, स्वागत के टाइम पर टाइम पास करता है, ये ले फिर लगा रहा है वो। नहीं नहीं, पर उसको भी मिलना क्यों है? शायद उस लड़की के बारे में पूछने के लिए। ये घर ही चला जाएगा मुझे लगता है। हो सकता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस खूबसूरत रात को पाने के लिए और तब तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। सब जानती हूं। गिफ्ट है? हां, मुंह दिखाई लाए हो, खो गई। नो नो, इट्स हियर, मिल ली रही। वेट, इट्स हियर, सी। सस, सॉरी। बेचारा बहुत शाय है। दरवाजे में कोई आया? वो पक्का इसका दोस्त होगा। वो यहाँ पहुंच गया यार, चौकीदार खर्चों में आया होगा। उसका दोस्त है। आ गया। सॉरी मलिया, मुझे तुम्हारे रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए था। यू कैन टेक योर टाइम, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूं, जरूरी बात करनी है। अरे कॉल की थी मैंने तुझे। ठीक है, सो मिस्टर शामिर, आप क्या जानना चाहते हैं शिब्रा के बारे में? हां हां, ले जा, लेट के बात कर ले, बैठा क्यों? जो आप बताना चाहो भूल जाओ। हैं क्यों फरास यार, जिसको ओके, तुम दोनों की दुनिया, नहीं तुम लोग बात कर लो, मैं चली जाती हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो। तुम दोनों की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। He does not like all this expensive watches, rings, ये पैसा, इन सारी चीजों को ना वो मिट्टी से भी ज्यादा हकीर समझती है।
उतार लेंगे, मसला नहीं है। पर वो जो अंदर होता है उसका क्या? अच्छा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसे वो पसंद है जिसके बाबा चाहते हैं। ठीक है, उसके बाबा क्या चाहते हैं? उसके बाबा ये चाहते हैं चाय लाओ। बोलो। जो तुम चाह के भी नहीं कर सकते और बदल भी नहीं सकते, मतलब तुम्हारा वक्त हो गया इस रूम से बाहर जाने का। है? ये क्या था? हम दोनों इधर ही बैठे हैं। Take your time. ओके बेचारा बेचैन होता रहेगा। ओके सो जा रहा हूँ। ग्रेट, जाते हुए ना दरवाजा भी लॉक कर देना बाहर से। इसको बोलो ये भी नहीं कर सकता क्या? प्लीज सी यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ भी जाऊँ ना? अरे हाँ क्यों? सो प्रिटी, यू लाइक इट? आई लव इट। पामू जान की नेचर को अच्छे से जानती तुम्हें आप? पता है कि वो अपने उसूल, अपनी ईमानदारी को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी के लिए वो कोई सिफारिश करेंगे। सारी जिंदगी बिठा के रखे बेटी को अपने घर पे, मुझे तो कोई शौक नहीं है खाली हाथ तुम्हारा घर बसाने का। इस तरह की बातें कर रही है मम्मी? अच्छे से जानती है कि 3 साल हो चुके हैं मेरी और सुकैना के निकाह को। कितना इंतजार करें? 3 साल निकाह को हो गए। मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितना कहा था कि जुबैर साहब की बेटी से शादी कर लो। अरे जहेज में नौकरी के साथ साथ गाड़ी तक मिल जाती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुननी थी मेरी बात, नहीं सुनी। ठीक है, मत तो शादी का सोचा था, कारोबार का नहीं। अरे ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनके पीछे कारोबार ही छुपा हुआ होता है। और इन रिश्तों से अगर कोई मतलब पूरा ना हो ना, तो सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं आता। थैंक यू शमीर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। ना तो वैसे नहीं है, वो लोग जो पहले हमसे नजर ही नहीं मिला सकते थे, हमारे सामने खड़े हो गए। आई एम नॉट श्योर इफ यू अंडरस्टैंड। ये लड़का ना कमाल का है। पहले घर से कौन चले चल रहा था, आज असेंबली में बैठ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कौन कर रहा है, सब नजर आ रहा है मुझे। परेशान ना था पहले तो डिसइंटरेस्टेड लग रहा था। तुमसे एक और जरूरी बात भी करनी थी, एक बिट मोर। ओह, यू वांट सम वाटर? सी पर्सनल नेचर। ओके, नेम गॉट कर। इट्स ऑल राइट, वैसे भी आई एम डन, यू गाइस मे कंटिन्यू। हैं? थैंक यू। ये इसकी रियल मदर नहीं लग रही मेरे को। मुझे भी, क्योंकि ये बोलना कि अकेले में बैठ के कर रहे हैं। आप दोनों भी जा सकते। ये इसकी रियल मॉम नहीं है। हाँ, ये तो हमें सब सच में। शामिल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद फर? हम जानते हैं क्या मसला है। जो मेरी नजरों के सामने आप दोनों को एक साथ। तभी इतने इश्यूज हैं। जो कयामत गुजरी थी ना उन पे, मेरे को पता है। सही थी, मर गई थी वो उसी दिन। और मैं इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे कुछ याद ना हो। क्या कर रहे हैं बाबा? बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये अंडा कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसको पता चल गया कि ये हमारी हिटलर के लिए फ्राई हो रहा है। क्या कहा? अजीब, वो फिदा हो रहा है, जैसे मैं आप पे फिदा हूँ ना। आपकी मोहब्बत का अंदाज़ है, बस पकड़ा दे मुझे, ये जल जाएगा। सैटरडे मेरी जिम्मेदारी है नाश्ता और खाना बनाने की, ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि हमारी बीवी इसका तो गर्म मौसम में भी कितने मजे के खाने और नाश्ता बनाती है। देखो बस ये हो गया, थोड़ी सी जल्दी जरा टूट गई है। मैं निकाल दूं, दिल का अच्छा। अच्छा मैं बुलाता हूँ, ये खोलो। रहने ही तो नहीं हो पाएगा। बोले माँ थोड़ी देर में डॉक्टर पे चेक कराए ना, आए आपको लेकर जाते हैं। अच्छा चले, अंदर जाके तो बैठे ना, मैं कर लेती हूँ। और ये पता सारी ऐसे मतलब मदरली एज के बाद ना जो लेडीज होती है उनकी प्रॉब्लम है, कभी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती। आ जाना, सोच ले शामिल, तूने यहाँ की बसें अभी तक ठीक से देखी भी नहीं है, अंदर कैसे जा पाएगा? बेटा लंदन की बहुत बसों में सफर किया है मैंने। हो जाएगा बेटा, लंदन में डबल डेकर बस चलती है, यहाँ W11। वाह, मजा आएगा देख के।
और इतने सूट बूट पहन के ही वो इस बस में जा रहा है। वाह, सिर्फ उसको देखने के लिए। वो सारे बालों का शैम्पू तेल सब सुनाई दूंगा जरा। कितना क्यूट है ये। ये मार खाएगा ये लड़का, ये लड़का मार खाएगा सीरियसली। वो भी देख रहा, दूसरा वाला कैसे देख रहा है। उसकी वो आम पेट से स्मेल आ रही है। प्यार में बहुत कुछ करना पड़ता है सीरियसली। क्या हुआ ब्रो? पानी दे यार। ये गरीब लोग बसों में किस तरह ट्रैवल करते हैं? सांस बंद हो गई मेरी यार। मुझे पता है कि इंसान मेरे करीब आ रहा है, अभी वो अपना हाथ उठा दिया यार। स्मेल आ रही थी उसके पास से तेरी गंदी। छोटी सी बात है, तेरी बाबा का भूत तो गया। सोच है बेटा तेरी। शिवरे कदम जहां से गुजर रहा हूं, भूत बन के रह सकता हूं मैं। बात करता है इतने कम उसमें, इतना वो हो गया, ये तो पागल उसके लिए। ये ले तेरी चाय भाई, ये री मेरी चाय। अरे 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 यार, क्या चाय है वाह। वैसे भी मोहब्बत में कहां सेंसेस चलती हैं। अपने बात को भूल गए अब तो, जो मलिया के साथ हुआ था। शामिल मैं मर जाऊंगा मुझे मलिया नहीं मिली तो। आज हमें मोहब्बत हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। बेटा अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा होता ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के चाय नहीं पी रहा होता। शादी की दूसरी सुबह को यहाँ तैयार होके ये सिल्क का कुर्ता पहन के नोट ड्राइव करके अपनी सास के हाथों के फ्रेंच टोस्ट खा रहा होता। जता दिया ना है? जता नहीं रहा हूँ। पता क्या मसला है? तू असल में फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तेरा ईगो हर्ट हो रहा है, वो इसलिए कि जिस शामिर सिकंदर को दुनिया की कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देती, उसी शामिर सिकंदर को दुनिया में लड़की ऐसी भी मौजूद है जो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी। ये बात सही कह रहा है, इसीलिए शिब्रा तक पहुंचने के लिए बहुत ही कमाल का ड्रामा चल रहा है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में उस प्लान को तेरे अलावा कोई नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके। क्यों? सिर्फ तू ही है। उधर क्या दिखा हुआ? क्या ये क्या है? गरीब की चाय। गरीब करेक्ट। मुझे गरीब का बेटा बनना है। ओले, ऐसा नहीं कर सकते शामिल। मतलब हमारा कैसा दोस्त है तुम्हारा? या उल्टा परिजात चल रहा है। पता है तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड कितना बड़ा है? अगर उन्हें पता चल गया तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो कयामत आ जाएगी। भाभी मेरी हालत देखिए, मुझ पे तो अभी भी कयामत आएगी। मैं अभी कौन सा नाम लूं? लेट मी टॉक टू शिब्रा फर्स्ट। जी। अरे उधर हो ना। बेचारे को इज्जत ही नहीं है। आता है मेरा नाम सुनने की बहुत तो देगी। मैं अपने तरीके से बात नहीं, तुम कर लो, नहीं ले लो। या अल्लाह, क्या है? उसने मेरी शादी शामिल की शादी की बात कराई होती इस वक्त शदीद कुंवारा नहीं फील कर रहा होता। ओ मलिया, क्या जरूरत थी शिवरा को हमारी शादी में बुलाने की? तो तुम्हें जरूरत थी इसे अपनी शादी में बुलाने की? सही बात है। हेलो, हाय, हाय। हाँ मलिया, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब चल। तुम सुनाओ? बस कुछ नहीं यार, एग्जाम दिए ना, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारा मियाँ कैसे? हाँ हाँ, इज्जत से बात करो, शौहर है मेरा। बेटा शौहर का ओहदा तो तुम्हारे पास रहेगा। अगर मैं कहूँ ला रही हूँ तो मान जाओगी? ओ कम ऑन, ऐसा कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बाबा के मैार पे उतरे। आज मेरा रिश्ता आ रहा है। तुम ही ने तो नहीं वो लोग भेजे? ओ कैसे कर दो कैच। नहीं नाम पता है ना तुम्हें मेरा, और मतलब भी उसका। हाँ हाँ, मेरी शेरनी जैसे दुनिया देख के बन जाए बिल्ली। और ये कितनी कॉम्पिटिटिव बात है उसके लिए। चलो ओके ओके बाय। उसको लड़का देखने भी आ रहा है। आप ये रिश्ता कैंसिल करें और मालूम करो लड़का कहाँ से आ रहा है। बस क्यों? उठा लूंगा उसको, उठा लूंगा। हाँ मलिया, ये कहीं मामू ना बन जाए। मामू? तुम सेंसेस में तो हो। मेरा मतलब है मैं कहीं मामू ना बन जाऊं? ये पागल तो नहीं है? पागल तो नहीं था, पागल हो गया। लेकिन पहुंच गई आप? हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। अब तुम्हारी किस्मत। उसने तो स्पाई भेज रखा है। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, ठीक है? डाल डाल। भाई अलग ही दोस्ती है इनकी। मुझे तो यही लग रहा था अब 2-3 महीने मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वो फराज का मानना है कि आज हम एक हैं तो उसकी वजह तुम, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। हाँ भाई, ये फराज जैसे अमीर लोग इखलाक के बारे में सोचते नहीं हैं। वैसे ना मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। तुम्हें ना फराज को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अभी से काबू में रखना होगा। तुम गलत समझ रही हो, फराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कितना ख्याल रखते हैं।
नहीं वो मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। शादी पे आई थी ना तो वहाँ एक लड़का था। हाँ उस लड़के को मैं पसंद आ गई हूँ, है ना? ये बात है ना, एग्जैक्टली। वही मेरी पसंद होगी। बाबा की पसंद जितनी सिंपल नजर आती है ना उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझी नहीं। बाबा की पसंद है क्या यार? बाबा ना चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। वो जितना भी गरीब हो लेकिन हलाल का कमाता हो। और ये लोग तो चलते हैं करप्शन पे। देखो मैं तुम्हें ये सबसे इसलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रेफरेंस से जो भी रिश्ता आए उस वजह से हमारे बीच में ये हो। और तुम्हें मेरा पता है, गलत बात सुनने से या गलत बात करने वालों से मुझे चिढ़। क्या करेगा भी? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का वो नहीं होगा जिसका रिश्ता तुम लेके आ रही हो। क्या कमाल का एपिसोड था। और जैसा उसको मतलब कि हस्बैंड चाहिए, वो मतलब कि वो हलाल का कमाते हो हराम का नहीं कमाते हो, बिल्कुल ऑपोजिट ही है। एक फैमिली का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, वैसा भी उनके है ही नहीं कि फैमिली का रिलेशन भी नहीं अच्छा है और शायद वो हराम का कमाते हैं। और मतलब कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल उसके फादर और वो सिद्धांतवादी है, मतलब वो सिद्धांतों पैसे चलने वाले लोग हैं और वो दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको ये है कि बस पैसा कमाना है। तो देखते हैं कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा। हालांकि रिश्ता तो पहुँच गया है पर अब उसके लिए वो गरीब बनेगा तो फिर डेफिनेटली वही बात हो जाएगी कि झूठ वाली बात। बाकी तो जो भी होगा अगले एपिसोड में पता लगेगा। ये वाला एपिसोड भी बहुत ही कमाल का था क्योंकि अभी तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। इनका पूरा रिलेशन ही ऐसा है देखा जाए तो, यहाँ पे ये अल्ट्रा रिच और इनका तो हमने देखा है मतलब घर भी हराम का है और इवन घर वाले भी हराम ही है, तो वो सब है तो ये लोग कैसे ही उनका लेवल मैच करेंगे और वो तो सीधा ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अभी लेकिन ये लड़के को पैशन बहुत है वो लड़की के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स ये कुछ तो करेगा, तो देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए। बाय।